Hey everyone, welcome back to my channel Hoichoi with Polly. So आज है 10 September 2021. आज है गणेश चतुर्थी. तो हम लोगों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो आज मैं गणेश जी को मेरे घर पे वेलकम करने वाली हूँ, मैं स्थापन करने वाली हूँ. तो सुबह उठ के मैं हर एक चीज़ रेडी करके रखी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसीलिए. तो आशा करते हैं आप लोग भी अपने घर पे गणपति जी को आज लेके आ रहे हैं और 2 दिन 5 दिन या 9 दिन या 10 दिन तक आप लोग बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं गणपति जी के साथ. वैसे ही हम लोग 11 दिन का पूजा करते हैं मेरे घर पे. तो चलिए आप लोगों को कल रात से जो प्रिपरेशन हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, जो मंदिर हम लोगों ने बनाया है गणपति जी को वहाँ पे बैठाने के लिए, तो चलिए वो प्रिपरेशन मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ. छोटा छोटा क्लिपिंग्स मैं रखी हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. उसके बीच में आप लोग जब तक वो चेकआउट कर रहे हैं मैं तब तक स्थापन करने की सब कुछ रेडी करके रखती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिल. देखिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. टेम्पल एकदम रेडी है तो गणपति जी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हम लोग ये रेडी कर लेते हैं. तो मैं ये आसन पे एक अच्छे से साफ हुआ नया लाल कपड़ा मैं यहाँ पे डाल दी हूँ. अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी कुछ अक्षत. इसके ऊपर डाल देंगे एक सुपारी. अभी इसमें विराजमान होंगे हम लोग के गणपति बप्पा. गणपति बप्पा को उधर अच्छे से बैठा दो ऊपर. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. देखिए कितना प्यारा लग रहा है हम लोग के मंदिर में, जैसे कि साक्षात भगवान जी आके यहाँ पे बैठे हैं. तो अभी भगवान जी को नहला के नया वस्त्र दान करेंगे. तो चलिए तो अभी गंगा जल से भगवान जी को दुब्बा बहुत पसंद है, उसी से थोड़ा नहला देते हैं. इसी तरह से अच्छे से स्नान कर लिए हैं. अभी जो दुब्बा है वो मैं उसी के पास दे देती हूँ. अभी
अभी उनके वस्त्र के हिसाब से हम लोग जनेऊ प्रदान करते हैं। देखिए ये वाला ऐसे डाल देंगे, और अभी तिलक करेंगे। तो तिलक के लिए सिंदूर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा अक्षत। अभी एक पान के पत्ते लेंगे, उसमें एक सुपारी, उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और एक छोटा लौंग से मैं इसको बंद कर दूंगी। अब इसको भगवान जी के पैर में रख देते हैं। अभी माला चढ़ा देते हैं। छोटा सा फूल का माला भी डाल देते हैं, ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गेंदा फूल जो फ्रेश मेरे गार्डन से उठा के मैंने माला रेडी किया है, उनको गेंदा फूल भी बहुत पसंद है तो वो भी डाल देते हैं। तो गणपति जी का हम लोग के घर पे 11 दिन के लिए स्थापना हो गए हैं। अभी हम लोग वो घट उसको स्थापन करेंगे, तो उसमें भी हम लोगों को यहाँ पे अक्षत रखना है पहले। और फिर जो मैंने घट रेडी किया है, देखिए यहाँ पे स्वस्तिक बना के ऐसे आम के पत्ते डाल के और अंदर गुलाब गंगा जल डाल के मैंने ये तैयार किया, अभी यहाँ पे डाल देते हैं। और जो अभी नारियल गोभी मैंने तिलक लगा के जनेऊ डाल के ऐसे रेडी किए हैं, वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये घट स्थापन भी हो गए हैं। तो चलिए अभी भोग का थाली रेडी करते हैं और आरती करते हैं। तो देखिए गणपति जी एकदम सज के नहा के एकदम रेडी हो गए हैं। तो चलिए अभी भोग चढ़ाते हैं। तो भोग का थाली भी यहाँ पे रेडी है, तो उनको चढ़ा देते हैं भोग। तो पहले देते हैं कुछ ड्राई नारियल, उसके साथ गुड़ देना पड़ता है, तो गुड़ एक मोदक के शेप में मुझे मिला तो मैं वही दान करूँगी अभी। और एक सूखा खजूर, दो इलायची, दो लौंग, डालते हैं कुछ किशमिश, डालते हैं काजू, यहाँ पे डालते हैं बादाम, लड्डू रख देते हैं, एक पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी, जो गंगा जल और घी डाल के रेडी किए थे वो यहाँ पे डाल देते हैं। हम लोगों का जो शंख है वो भी मैं इधर डाल देती हूँ। और अभी पांच फल देने पड़ते हैं, तो केला उसमें मस्त है, एप्पल देते हैं, एक नाशपाती देते हैं, एक ऑरेंज, और दो स्ट्रॉबेरी। तो ये हो गया रेडी मेरे भोग के थाली। तो अभी आरती करना शुरू करते हैं।
थोड़ा सा अक्षत ऐसे डाल के करने के लिए एकदम रेडी हो गए हैं। देखिए इस बार फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, इनिशिएटिव तो कल्याण का था बट फिर भी हम लोगों ने मिलके ये फर्स्ट टाइम ये गणपति जी को बनाया है और कलर भी किए हैं। ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया, बट फिर भी हम लोग पूजा के यहाँ पे डाल दिए हैं। और एक बार थाली दिखा देते हैं, ये आरती के टाइम पे पंच प्रदीप वो जलाएंगे हम लोग। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे जो अखंड दीप है वो जलाए हैं। तो चलिए अभी आरती कर लेते हैं, फिर प्रसाद खाते खाते आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो हम लोग का आरती अभी ख़त्म हो गया है, तो हम लोग प्रसाद लेके बैठ गए हैं खाने के लिए। देखिए अनया ऑलरेडी ऑरेंज खाना चालू कर दिए हैं। अनया व्हाट आर यू ईटिंग? ऑरेंज। व्हाट यू हैव इन योर होम टुडे? व्हाट पूजा? पिंक पूजा। हां नो पिंक पूजा, गणपति। गणपति, आई हैव पिंक गणपति। हेलो गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा। मोरिया मोरिया। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति। मोरिया मोरिया। तो चलिए आज प्रसाद खाते खाते वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तो 11 दिन तक आराम से गन्नू महाराज बैठ गए हैं हम लोग के घर पे। आशा करते हैं इस साल भी गणपति हम लोगों के लिए बहुत सारे खुशियाँ और समृद्धि प्रदान करेंगे हम लोगों को। तो आप लोगों भी इसी तरह से पूजा कीजिए, 2 दिन हो, 11 दिन हो, 7 दिन हो, जैसे मर्जी आप लोग भी पूजा कीजिए। और यही प्रार्थना करना कि इस सिचुएशन में गणपति महाराज हम लोगों को बहुत सारा स्ट्रेंथ और बहुत सारा खुशियाँ दे। तो आज आ गए हैं वो दिन जब गणपति जी हम लोगों को छोड़ के इस साल के लिए जाने वाले हैं। तो 11 दिन तक वो हमारे घर पे थे, तभी सभी बोलते हैं कि गणपति जी को घर पे बुलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब वो जाते हैं तो मन में बहुत ही कष्ट वो छोड़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से विदाई करना पड़ेगा हम लोगों को, अदरवाइज़ वो लास्ट नेक्स्ट ईयर फिर से हम लोग के घर पे नहीं आएंगे। तो चलिए अभी सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ, अभी फूल वूल सब लेके मैं माला रेडी कर चुकी हूँ। तो थोड़ा सा भोग आज कुछ डिफरेंट सा भोग, पूरा 11 दिन तक मैंने राइस की भोग चढ़ाए हैं, डिफरेंट वैरायटी राइस की भोग चढ़ाए हैं, और आज मैं कुछ डिफरेंट भोग चढ़ाने वाली हूँ जो हम लोग के बंगाली में सबसे प्रिय ब्रेकफास्ट माना जाता है, वही मैं खिला के आज गणपति जी को विदाई देने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से भोग रेडी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल एक आलू की सब्जी बनाएंगे जो सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा कलौंजी दे रही हूँ और एक स्प्लिट किया हुआ ग्रीन चिली, इसको अच्छे से 2-3 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो फिर ये चिली का स्मेल बहुत अच्छे से आता है। अब मैं डाल दूंगी कटे हुए आलू, मैंने इसी तरह से शेप में काटे हैं, आप चाहिए तो शेप में काट सकते हैं। और इसको हाई फ्लेम में 2-3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। मैं ये वाइट कलर की बनाऊंगी, इसलिए मैं इसमें कोई हल्दी या कोई भी रेड चिली पाउडर यूज नहीं करूँगी। तो हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, अभी सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। इसको फ्राई इस तरह से करना है ताकि इसमें कोई कलर ना पकड़े। अब इसमें डाल देंगे पानी, बस इसमें और कुछ नहीं डालना है, पानी डाल के ढक देंगे जब तक ये आलू पक जाते हैं। बस हो जाएगा हम लोगों का
सब्जी रेडी। पूरी भी फ्राई कर रहे हैं तो आलू की सब्जी एकदम रेडी हो गया है। अभी पूरी भी फ्राई कर लेते हैं फिर भगवान जी का भोग रेडी हो जाएंगे। तो प्योर बंगाली ब्रेकफास्ट रेडी, पूरी भी रेडी और हम लोगों का वाइट आलू की सब्जी भी रेडी। और इसके साथ तो देना ही पड़ेगा कुछ फ्रूट्स, तो उसमें है आम के टुकड़े, तो बस ये हो गया भगवान जी का भोग। तो चलिए भगवान जी को आज बंगाली वाला ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। तो मेरे भगवान जी यहाँ पे देखिए एकदम सज धज के रेडी हो गए हैं, तो ये भी प्रसाद यहाँ पे डाल देते हैं। एक दो तीन चार गणपति चार जय जयकार, एक लाडू फूट ला गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, एक दो तीन चार गणपति का जय जयकार, एक दो तीन गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, 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 गणपति बप्पा देता मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। आज फोटो ले रहा हूं सही तो मुझे भी वही <वोगी। laughs>